आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, और उसके फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2a plus 3b magnitude is equal to 3a plus b magnitude and angle between a and b is 60 degrees। मतलब कि जो a एंड b वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री के बराबर है। इफ a by 8 is a unit vector, find the magnitude of b। मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज, और ए बाय 8 हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो ए बाय 8 में दे रखा यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ए बाय 8 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए बाय 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास मॉड्यूलस आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए वेक्टर का 8 के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से वेक्टर का साइन रिमूव कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 8 के बराबर है। और एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्रीज। मतलब कि अगर हम सपोज करें हमारे ए एंड बी वेक्टर्स को, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल 60 डिग्रीज है। ये दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है 2a plus 3b magnitude is equals to 3a plus b magnitude, तो इसको हम लिख लेते हैं 2a plus 3b magnitude is equal to 3a plus b मैग्नीट्यूड। अब हम इन दोनों साइड्स को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रिजल्टेंट किन्हीं भी दो वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट होता है, वो कैसे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, एक्स की जगह 2a पुट कर देंगे, वाई की जगह 3b पुट कर देंगे, तो दोनों साइड्स को हम यहाँ पर इस साइड से ये एक्सपेंड हो जाएगी, सिमिलरली इस साइड को भी हम एक्सपेंड कर देंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। तो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट रिमूव कर सकते हैं और ये स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो ये जाएगा 12ab cos theta इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab cos theta। अब यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, तो ए एंड बी वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, तो हम थीटा को 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो थीटा को हम 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6ab इंटू 1/2। अब दोनों साइड्स को हम सॉल्व करेंगे तो
फोर ए स्क्वायर प्लस 9 b² प्लस 6 ab इज इक्वल टू 9 a² प्लस 2² प्लस 3 ab। अब हम ये LHS को RHS की साइड ले जाएंगे, सारी LHS वाली टर्म्स को इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 a² प्लस 2² प्लस 3 ab, ये तो RHS हो गई। इसमें से LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 a² माइनस 9 b² माइनस 6 ab इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 a² माइनस 8 b² माइनस 3 ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, b का मैग्नीट्यूड निकालना था। a का मैग्नीट्यूड हमें हमने फाइंड आउट किया था ऊपर, a इज इक्वल टू 8 फाइंड आउट किया था। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, a इज इक्वल टू 8 सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिल जाएगा 5 × 8 8² माइनस 8 b² माइनस 3 × 8 × b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 320 माइनस 8 b² माइनस 24 b इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 2² माइनस 3 b इज इक्वल टू 0। इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2² प्लस 3 b माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब LHS वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको हम फैक्टराइज करके इस तरह लिख सकते हैं, b प्लस 8 × b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 8 और एक आ जाएगा b इक्वल टू 5। अब मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 के बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।